अगर आप अपने जीमेल अकाउंट जीमेल आईडी को लॉग इन करके किसी के भी फोन में भूल चुके हो, चाहे दोस्तों वो आपका दोस्त का फोन हो या फिर दोस्तों आपके फैमिली मेंबर में से किसी का फोन हो, तो दोस्तों आप सिंपली से लॉग इन करके भूल चुके हो एंड दोस्तों आप उसे आप परमानेंटली से लॉग आउट करना चाहते हो, जो भी दोस्तों अदर फोन में लॉग इन है उसे दोस्तों बस आप घर बैठे उस सारे फोन से दोस्तों अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो बिल्कुल ही आप राइट प्लेस पे आए हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों बस एक से दो क्लिक में एक से दो स्टेप में आप जिसके भी फोन में आपका जीमेल आईडी लॉग इन है उसे किस तरह से आप लॉग आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूं, सीधा चलता हूं वीडियो पे एंड दोस्तों वीडियो को करता हूं फटाक से स्टार्ट। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आ चुके मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तों आप किसी भी फ़ोन से अपने जीमेल अकाउंट को जीमेल आईडी को लॉग आउट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा एंड जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों राइट के टॉप साइड में आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसे दोस्तों आप लॉग आउट करना चाहते हो किसी और फ़ोन पे। जैसे दोस्तों आप जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट कर दो तो यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट का बटन देखने को मिलेगा, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों आपके सामने गूगल अकाउंट का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस तरह से दोस्तों आपको स्वाइप करते हुए दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों सिंपली से आ जाना है सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे। जैसे दोस्तों आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड नीचे जैसे जाते हो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर डिवाइस। तो सिंपली से दोस्तों योर डिवाइस के जस्ट नीचे ही आपको मैनेज डिवाइस देखने को मिल रहा है, तो सिंपली से यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो ये जीमेल है दोस्तों जहाँ जहाँ लॉग इन है जिस जिस फोन में लॉग इन है तो उसका दोस्तों वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा फोन जो हमारा जो ये जीमेल है तो यह भी दो फोन में लॉग इन है, फर्स्ट तो रियलमी 3 प्रो जो जिसमें कि मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि दोस्तों मेरा खुद का फोन है एंड एक और एक फोन है जिसमें कि मेरा लॉग इन है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसे लॉग आउट करना चाहता हूँ, अगर दोस्तों अपने जीमेल को दोस्तों यहाँ से मैं साइन आउट करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आपको साइड में 3 डॉट का बटन देखने को मिला राइट साइड में, तो इस पर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको साइन आउट के बटन पे क्लिक करना है एंड एक बार और कंफर्मेशन के लिए दोस्तों साइन आउट पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप साइन आउट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो ये जीमेल अकाउंट था दोस्तों उस फोन पे लॉगिन जो भी अनजाने फोन पे लॉगिन था उससे दोस्तों यहाँ पे साइन आउट हो चुका है एंड दोस्तों यहाँ से हट चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी फ़ोन से बहुत ही आसानी से अपने जीमेल अकाउंट को दोस्तों लॉग आउट कर सकते हो दोस्तों, उसे साइन आउट कर सकते हो। दोस्तों तो आई होप आज के इस वीडियो के मदद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा एंड दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से दोस्तों आप घर बैठे ही अपने जीमेल अकाउंट को दूसरे मोबाइल से लॉग आउट कर सकते हो एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगी, अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको ये वीडियो लगी होगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं एंड दोस्तों फ्यूचर में भी मिलते रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह की वीडियो पसंद मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।